अगर आपका वीजा कभी भी रिजेक्ट हुआ है यूएसए का, तो ये वीडियो काफी खास सा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप जानेंगे कि किस प्रकार एक सब्सक्राइबर का, जिनका वीजा पहले हो गया था रिजेक्ट, एंड उन्होंने क्या करा अपने वीजा को फिर से लेने के, मतलब नवंबर में हिज वीजा गॉट रिजेक्टेड, और उन्होंने क्या किया, अपनी टेक्निक्स लगाई, स्ट्रेटेजी लगाई, सो दैट ही कुड गेट द वीजा। तो गाइज, इसमें उन्होंने इस सारी बातों का डिस्कशन करा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। मैं बिल्कुल आपसे गुजारिश करूंगा, दिस इज आवर नंबर ए ग्रेड वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और डेली वीजा सर्विस डॉट कॉम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई एम सो सॉरी, आई वॉज अ बिट अवे बिकॉज देर वॉज सम लॉट ऑफ वर्क टूडे। एट प्रेजेंट मोमेंट आई एम इन द करोलबाग ऑफिस। एज आज मैं बात करवाने वाला हूँ एक सब्सक्राइबर से हु इज फ्रॉम सूरत गुजरात, एंड गेस व्हाट, एक्चुअली उनका एक मैसेज आया था मेरे पास, ये हमसे जुड़े थे करीबन कुछ टाइम पहले ही। His visa got rejected initially, but now his visa got, let's see, आज वो इनका इंटरव्यू था, and let's share the input from him. ओ? हाँ, हाँ जी भाई जी, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए सर, बोलिए। जी सर, जी सर, आप फ्री हैं सर अभी? कोई बात नहीं, अभी चालू चालू काम में कर देते। अच्छा सर, तो आप बताइए, आप बता रहे थे तो आपका आज इंटरव्यू था, तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इसे देखा जाए तो हमारा इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया था। ओके। हम फर्स्ट टाइम हमारा रिफ्यूजल था, तो हम सेकंड टाइम चल गए थे इंटरव्यू देने। थोड़ी हड़बड़ाहट थी, घबराहट भी था, मगर बाकी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। और यूएस एम्बेसी में जब हम गए थे तो हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव नेचर से बात किया था उन लोगों ने, तो पोलाइटली हमसे हमारे बात। तो अपना थोड़ा फर्स्ट टाइम का, थोड़ा पहले मैं गो डालूंगा, आपने थोड़ा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस शेयर करें, और उसके बाद क्या क्या आपने चेंजेस करे, क्या क्या करा, थोड़ा सा थोड़ा डिटेल में। हाँ जी बिल्कुल बता रहा हूँ सर। जैसे हमारा फर्स्ट टाइम फर्स्ट डिसीजन हुआ था हमारा 13 नवंबर को। 13 नवंबर को आपने शुरू में अप्लाई करा था, राइट? हाँ, मैंने सुधी फॉर्म फिल किया था, मगर उसमें मेरे पेरेंट्स का टोटल फोर सेशन में जाने वाले थे, तो फोर आदि ने हमने फॉर्म लेना खुद ही फिलअप किया था, मगर इसमें थोड़ा सा दिक्कत, फॉर्म में ही दिक्कत था ऑलरेडी। ओके। तो फिर अभी आपके साथ भी बात हुई थी मेरी, तो फिर बात होने के बाद मेरा फॉर्म सही तरह से मैंने फिल कर लिया, मेरी जो गलती थी वो मैंने अपडेट कर दी। जैसे उन लोगों ने मुझे पूछा भी था कि भाई आपके लास्ट मेरे फॉर्म से उसमें क्या चेंजेस, सही सही बताया कि मेरी ये गलती हो गई, तो मैंने कह रहा फॉर्म अपडेट करके वापस लोड किया है। ओके। फिर उन लोगों ने देखा कि सही है, मेरे बच्चा सही बोल रहा है, ऐसा लगा उन लोगों को। फिर मैंने से क्वेश्चन आंसर की बात हुई, तो सब मुझे सब अच्छी तरह से पूछा उन लोगों ने कि भाई कहाँ जाने वाले हो, कहाँ रुकने वाले हो, कितने दिक्कत लानी है, ये सब मुझे पूछ रहे थे, मगर मैंने सिंपैथी से पोलाइट से मैंने अच्छी तरह से जवाब दिया। और अभी लास्ट मोमेंट में लास्ट क्वेश्चन ऐसा रहा कि भाई आप रिटर्न आओगे उसकी गारंटी क्या है। फिर उसने मुझे, मैंने फिर मैंने बहुत ही पोलाइटली बताया कि भाई मेरे और मेरी वाइफ का यहाँ पे बिजनेस है, हम लॉन्ग टाइम बाहर रुक नहीं सकते और हमारा बिजनेस हम छोड़ नहीं सकते, और इन फ्यूचर हमारा प्रोग्राम ये भी हम आउट ऑफ इंडिया की टूर बनाएंगे, तो मैं मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड खराब करना नहीं चाहता। तो आपका कहीं आपकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं थी, राइट? नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री मेरी कांगो की थी, मगर 8 ईयर्स पहले मैं कांगो गया था, और मेरी मदर 8 ईयर्स पहले गई थी सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। मेरी माई वाइफ का और मेरी डॉटर का टोटली ब्लैंक पासपोर्ट था। अरे, टोटली ब्लैंक पासपोर्ट था आप दोनों का? टोटली ब्लैंक था, और कोई स्टैंपिंग नहीं था उसके अंदर। ओके। मेरा भी 8 ईयर्स पहले की जर्नी थी जो उन लोगों ने कंसिडर नहीं किया था, मतलब देख लिया था उन लोगों ने। ओके। लास्ट मोमेंट का जो क्वेश्चन था वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, कि भाई आप रिटर्न कब आओ तो उसकी गारंटी दो। ओके। तो हम आपको वीजा देंगे, बाकी नहीं देंगे। अभी मैंने बताया कि भाई हमारा बिजनेस है और हम छोड़ नहीं सकते हैं, और मेरी बच्ची भी छोटी है, मेरी मदर सीनियर सिटीजन, तो हमें डेफिनेटली इंडिया आना ही पड़ेगा। आपकी डॉटर कितने साल की है? मेरी डॉटर 10 ईयर्स की है। अच्छा, काफी छोटी डॉटर है आपकी? यस, काफी छोटी है, और फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। तो मैंने सब बताया कि भाई मेरी लड़की फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, मेरी मदर सीनियर सिटीजन। टोटल इंटरव्यू कितने ड्यूरेशन का था आपका? टोटल इंटरव्यू कितने ड्यूरेशन का था सर आपका? कम से कम पहले तो समझो ना कि 8-9 मिनट तक चला था। फिर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मांगे गए थे कि भाई आपके लड़के का जो
वीजा का पासपोर्ट के ऊपर जो वीजा लगा था उसका स्टैम्प दीजिए, उसको मेरी कॉपी चाहिए, तो स्टैम्प में लेने का भूल गया था। ओके ओके। तो फिर मैंने बताया कि भाई मैडम मेरे पास अभी फिलहाल मेरे पाउच में नहीं है, मगर मैं अगर आप बोलोगे तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये इस बार का था या लास्ट टाइम का था? ये क्या सर, ये इस बार का था या लास्ट टाइम का था? ये अभी अभी की बात कर रहा हूँ सर। ओके ओके। और अगर आपको लास्ट वाले में तो फोन में मेरा थोड़ा मैंने गलती की थी, मेरा रिजेक्शन उसके हिसाब से हुआ ऐसा मुझे लग रहा था। ओके सो अभी 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 जब मैंने फिलअप किया था ना तभी मेरे को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो YouTube Academy has helped you a lot, right? Yes, yes, sir. और आपका आपके वीडियो से मुझे बहुत कुछ सीखना मिला है। मैं पर्सनली आपको पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि भाई आपकी वजह से भी मुझे बहुत सारा कुछ ज्ञान मिला था उसमें से, जो मैं शेयर कर पा रहा हूँ सबके सामने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है आपके साथ बात करते हुए भी, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया रहा है। और यूएस एम्बेसी वाले के लिए आप, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि वो लोग वीजा देने के लिए ही बैठे हैं, समझो रिजेक्शन के लिए बैठे ही नहीं है, मगर आप सही तरह से परफॉर्मेंस करोगे तो 100% वीजा देते ही है। उन लोगों का कोई मोटिवेशन नहीं रहता है कि इसको रिजेक्ट करना है, उसका काम यही है कि भाई सबको वीजा देना है, मगर आप आपका 100% नहीं दे पाओगे तो ही रिजेक्शन होता है, बाकी नहीं होता। वो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर ने बताया आप लोगों को गुजरात से कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, इस वीजा गॉट रिजेक्टेड इन नवंबर, इन जनवरी हैज गॉट द वीजा for his entire family. So guys, before we say anything, I want a thumbs up from you guys, because one more thumbs up for one more success, guys. One more thumbs up for one more success. और उसके अलावा तो अपने को क्या करने का है, अपने को जब we need to be very very well organized while we fill up the form, we need to learn from the YouTube Academy, we need to see more and more of the videos, we need to learn, because learning is the key for your own success. तब तक के लिए मैं अभिषेक शर्मा इजाजत लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।